नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। बालाघाट जिला अस्पताल में अव्यवस्था का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक की मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके कारण परिजनों को चादर में उठाकर शव को पीएम घर तक ले जाना पड़ गया। जानकारी के मुताबिक युवक प्रकाश राउत 30 वर्ष की जहरीली वस्तु के सेवन करने से उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक ने शनिवार की शाम में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी मंगलवार को मौत हो गई। इसके बाद शव का पीएम होना था। अस्पताल के कर्मचारियों ने कोरोना के डर से शव को हाथ नहीं लगाया, फलस्वरूप परिजनों ने काफी इंतजार किया व शव को नीचे जमीन पर रखे रहे, लेकिन जब उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला तो उन्होंने शव को चादर में ही उठाया और पीएम घर तक ले गए। एक्सपायर हो गए थे, उसको स्ट्रेचर के नहीं मिला, उन्होंने चादर में लपेट के ले गए। ये तो वाकई में जिसने जिसकी तरफ से भी इस पर पूरा हम लोगों ने ध्यान दिया है, फिर काफ़ी लापरवाही है। स्ट्रेचर बहुत पर्याप्त मात्रा में जिला अस्पताल में उपलब्ध है, और अगर उस वार्ड में नहीं रहा होगा कोई मरीज, अगर शिफ्ट करने गया होगा, कई बार मरीज शिफ्ट करने जाता है तो गेट में छोड़ देता है, वहाँ पर कम से कम जो भी ड्यूटी पे स्टाफ था उसको सीट पर बराबर ध्यान देना था। इसके साथ ही जो लोग उसको, जो अन्य अधिकारी वगैरह थे वहाँ पर, जो पीएम वगैरह की टीम ले जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देखना था। तो कुल मिलाकर के ये गलती जिसकी भी पाई जाएगी उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कहीं कहीं लापरवाही है, बिल्कुल स्ट्रेचर की इतनी कमी नहीं है कि चद्दर में बांध के ले जाए। एक्चुअली क्या हुआ होगा कि उन्होंने कमरे में अपने आसपास स्ट्रेचर देखा हुआ नहीं मिला होगा, तो वो हो सकता है कि सिस्टर जो वहाँ पर उपस्थित है अथवा वार्ड बॉय, उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसकी जाँच हम करके उनके ऊपर कार्रवाई। खबर समय जगत के लिए बालाघाट जिले से संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।